एपिसोड 754, सॉल्व हुई एक मिस्ट्री। अम्मा ने जैसे ही कहा कि वो सच बताना चाहती है, तो ये सुनकर ध्रुव पहले तो कुछ देर तक उन्हें खामोशी से देखता रहा। फिर कुछ बोलने को हुआ कि जुल्मी के बापू ने कहा, कौन सा सच? और तुम इस तरह से यहाँ क्यों आ गई हो? जरा सा संदेह हिलने डुलने क्या लगा? तुम उठकर जल्दी जाकर लेट जाओ। इतना मना करते हैं तुमको, अपनी उम्र देखो, उम्र के हिसाब से काम किया करो। लेकिन नहीं, घर का सारा काम सचनी बेचारी इस हालत में भी कर लेती है। लेकिन फिर भी तुम इधर उधर कुछ ना कुछ करती ही रहती हो। देखा एकदम से अब क्या हो गया? हम कितना घबरा गए थे, तुरंत हम इस जुल्मी को फोन कर दिए थे। अगर फोन नहीं किए होते और तुमको कुछ हो जाता तो हम क्या करते बताओ इतनी रात में? जुल्मी एकदम से बोला, बस करो बापू, देख नहीं रहे हो अम्मा का तबियत कितना खराब है, और आप हो कि उनको भाषण दे रहे हो। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा बाहर आकर खड़ी हो गई तो क्या हो गया? आराम कर लेंगी अभी जाकर, जुल्मी की अम्मा ने कहा। हाँ और क्या, देखो ना, कुछ होता नहीं है कि आ जाते हैं हमको सुनाने के लिए, जुल्मी के बापू बोले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वैसे तुम कौन सा सच की बात कर रही थी? जुल्मी एकदम से हड़बड़ाकर बोला, अरे वही सच की बात कि इनको चैन नहीं था। अभी आप बोले ना कुछ करती रहती है, कुछ करने गई होगी, बाहर ठंड भी तो हो गई है, ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, इसलिए बेहोश होकर गिर गई। वो ध्रुव बार बार बोल रहा था ना कि इस वजह से हुआ है, उस वजह से हुआ है। आप तो जानते ही है ना, ये शहर वाले छोटी छोटी बात को बड़ी बना देते हैं, हम लोगों के लिए तो ये छोटी मोटी बात होती ही रहती है। इसको लग रहा था कि कोई बड़ी समस्या ना हो, अम्मा बस वही कह रही थी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो जुल्मी के बापू बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो तुम चलकर आराम करो, और जब तक तुम सो नहीं जाती हो हम तुम्हारे बगल में बैठे रहेंगे। इतना कहकर बापू अम्मा को संभाल कर कमरे में लेकर चले गए। लेकिन अम्मा बार बार ध्रुव की तरफ देख रही थी। उसके बाद जुल्मी बोला, ध्रुव हमको नहीं लगता कि अभी अम्मा से कोई भी बात करना चाहिए। ध्रुव ने कहा, अभी तक तुझे फिक्र थी ना कि अम्मा से तूने ऐसी बात की, इस वजह से अम्मा बेहोश हुई, उनको बुरा लगा? जुल्मी ने कहा, हाँ हमको तो अभी भी यही लगता है कि अम्मा को टेंशन हो गया था। ध्रुव ने कहा, पहली बात तो वो टेंशन लेती है, और पेंशन तुझे मिलेगी जब तू बड़ा हो जाएगा, तब वृद्ध पेंशन मिलेगा, क्योंकि काम धंधे से तो तेरा कोई लेना देना है नहीं, है ना? जुल्मी ने कहा, बकवास बंद करो अपनी, विक्की नहीं है तो क्या उसकी जगह तुम ले लोगे, मुद्दे की बात करो। ध्रुव ने कहा, मुद्दे की बात यही है कि अम्मा अपने मन में घुट रही हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बात उनको परेशान कर रही है, और इस वजह से वो बेहोश हुई हैं। इसीलिए तो होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि वो सच बताना चाहती हैं, और जहां तक मैं समझ रहा हूं उनको नींद भी नहीं आ रही होगी, वो पिछली रात भी नहीं सोई होंगी, और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। गिल्ट में आकर घबराहट के मारे वो सच भी नहीं बोल पा रही थी, और इन्हीं सारी चीजों ने मिलकर उनका ये हाल किया है। तो अम्मा अगर सच बता देंगी तो सबसे पहले उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, बाकी लोगों की भलाई को तो बाद में देखेंगे। जुल्मी बोला, तुमको पूरा यकीन है? ध्रुव ने कहा, हाँ बिल्कुल। उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, और इससे एक बात तो अच्छी तरह से पता चल गई है कि ये सब कुछ अम्मा ने जानबूझकर तो नहीं किया है। ये पक्की बात है कि किसी ने अम्मा का ब्रेन वॉश किया है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि इतना तो मैं भी अम्मा को जानता हूँ कि वो बहुत प्योर हार्टेड है, और किसी ने उनका इस्तेमाल ही किया है, और अब हमारे लिए चीजों को मैनेज करना ईजी हो जाएगा। एनीवेज मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, तुम हमारे साथ चलोगे या यहीं रुकोगे? जुल्मी बोला, नहीं नहीं ध्रुव, हम तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि भले ही अम्मा ठीक है, लेकिन रात बिरात कोई जरूरत पड़ जाए तो बेचारे बापू क्या करेंगे अकेले। वो तो कहो कि अभी अम्मा सामान्य सा बेहोश हुई थी, लेकिन हमारा मन अभी भी घबरा रहा है। ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, अम्मा का ध्यान रखना और अपना भी, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात की सजनी समझ जाएगी कि अब सब ठीक है तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं, क्योंकि हमें एक बहुत जरूरी काम करना है जो हम अधूरा छोड़कर आए। जुल्मी ने कहा, कौन सा काम? ध्रुव ने कहा, तू भूल गया हम ऊपर किसी को बंद करके आए थे? ये सुनते ही जुल्मी अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, अरे हाँ ये तो हम बिल्कुल ही भूल गए थे, वो अब तक वहीं पड़ा हुआ है क्या? ध्रुव ने कहा, बिल्कुल, इसीलिए तो हमें जाना होगा, आज की रात ही हमें उससे बात करनी थी कि तभी बीच में ये मामला हो गया और हम इधर आ गए। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे जल्द से जल्द उस लड़के से बात करनी है। और सुनो, अगर कल सब कुछ ठीक हो और अम्मा का दिल करे घर आकर बात करने का तो अम्मा को ले आना, क्योंकि यहाँ पर बापू हैं और मैं नहीं चाहता कि वो बेमतलब में परेशान हो जाए। जुल्मी बोला, ठीक है अब तुम लोग जाओ। ध्रुव और छलावा वहां से बाहर निकल आए, लेकिन ध्रुव ने एक नजर जुल्मी के घर पर डाली और गहरी आवाज में छलावा को बोला, अम्मा किसी गिल्ट में या कुछ सोचकर परेशान होकर या कमजोरी से बेहोश नहीं हुई है छलावा, अम्मा ने अनजाने में जिस तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने आप को फंसाया है ना, अम्मा के बेहोश होने के पीछे का कारण भी वही है,
क्योंकि जब मैंने उनकी नब्ज को चेक किया था उस वक्त मैंने अम्मा के शरीर की ऊर्जा में उस नकारात्मकता को महसूस किया है। ये सुनकर छलावा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि सजनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अम्मा ने किया था, अब तुम कह रहे हो कि अम्मा के आसपास उस चीज को तुम महसूस कर रहे हो। ध्रुव बोला, देखो नकारात्मक शक्तियां जो होती है ना, वो कभी ईश्वर की शक्ति की तरह ईमानदार नहीं होती, जिससे आपको सिर्फ शुभ फल ही मिलेगा। नकारात्मक शक्ति लालच देती है और नकारात्मकता हर जगह हर किसी के आसपास फैलती है, ना सिर्फ एक इंसान के आसपास। ये सुनकर छलावा ने कहा, हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने सालों से मैं जुल्मी के परिवार को जानता हूँ, मतलब तुम्हें तो पता ही है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आज तक कभी भी जुल्मी का परिवार इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हुआ। मतलब आज तक ये भी नहीं कह सकते कि जुल्मी की अम्मा ने कभी अपने बेटे की नजर भी उतारी हो या कोई टोना टोटका भी किया हो जो सामान्य घरों में होता है। फिर एकदम से उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे किया? इस तरह की चीजें उन्होंने क्यों की? ये सुनकर ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब छलावा ने देखा कि ध्रुव मुस्कुरा रहा था तो उसने कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? आखिर किस बात ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया होगा? ध्रुव ने कहा, पोते के लालच ने। ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए तो छलावा जैसे शॉक्ड रह गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। तो ध्रुव हंसते हुए बोला, मुंह बंद कर वरना मच्छर चले जाएंगे। छलावा ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो, पोते का लालच, इसका क्या मतलब है? ध्रुव बोला, मतलब लड़का, मतलब वो चाहती हैं कि उनके बेटे का बेटा हो ना कि बेटी। छलावा ने कहा, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मतलब उनके घर में बच्चा आ रहा है, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो उसमें पोता और पोती कहाँ से आ गया? और एक लड़के की लालच की वजह से वो इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेंगी कि अपने बहू बच्चे और पूरे परिवार को ही मुसीबत में डाल देंगी? ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, यही तो दुर्भाग्य है छलावा, अभी भी हमारे आसपास बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़के के चक्कर में क्या कुछ कर जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता। छलावा दुखी आवाज में बोला, ये तो तुम सही कह रहे हो, कभी पता चलता है कि किसी नवजात बच्ची को कहीं छोड़ दिया गया, गटर में फेंक दिया गया, और काफी लोग तो पेट में ही मार डालते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लड़की होने वाली है। लेकिन जुल्मी की अम्मा जो कर रही है ये तो उन सब में सबसे ज्यादा भयानक है, और क्या हो जाता अगर जुल्मी की बेटी हो जाती तो? लेकिन एक मिनट, ये सब छोड़ो, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं बताया है, उन्होंने बस ये कहा है कि वो सच बताने को तैयार है, लेकिन सच तो कुछ भी हो सकता है ना, तो तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो उनके बारे में? ध्रुव ने कहा, तुम्हें याद नहीं जब सजनी की तबीयत अचानक से ही खराब हुई थी और हम यहाँ आए थे? उसके बाद सजनी जब स्टेबल हुई और हम बाहर निकले तो जुल्मी की अम्मा सजनी के दरवाजे के बाहर ही थी, और जब मैंने उन्हें पोता या पोती वाली बात कही तो उन्होंने तुरंत क्या रिप्लाई किया? पोती नहीं, सिर्फ पोता, पोता ही होगा। और जब मैंने उनसे यही बात कही कि हाँ हाँ पोता ही सही, तो उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। उसी वक्त मुझे ये खटक गया था कि मामला बच्चे से जुड़ा हुआ ही है और ये तंत्र मंत्र का मामला है। छलावा ने कहा, तो तुमने ये बात सबको उस वक्त क्यों नहीं बताई? ध्रुव ने कहा, और तुम्हें लगता है कि कोई मान जाता? जुल्मी अब तक तो मेरी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था, अब जब उसकी अम्मा ने कहा है कि वो सच बताएंगी तब उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ है मेरी बातों पर। वो हाँ हाँ कर रहा था, सजनी की तबीयत को देखते हुए वो जरूर अपनी अम्मा से बात करने आ गया था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था कि उसकी अम्मा कुछ गलत कर सकती है। किसी भी बच्चे का मन नहीं मानता कि उसकी माँ कुछ गलत कर सकती है, लेकिन हाँ, इन सब में अम्मा की अकेली गलती नहीं है। अम्मा की गलती सिर्फ इतनी है कि वो इतनी भोली कह लो या इतनी सीधी कह लो, जो किसी की बातों में इतनी आसानी से आ गई। और इनको इस बात में लपेटने वाली वो आंटी, क्या नाम था उनका जो अम्मा के साथ खेत में बगीचे में पता नहीं कहाँ कहाँ गई थी? छलावा ने कहा, सरला काकी, जुल्मी के घर के पास ही तो रहती है। ध्रुव बोला, हाँ वही सरला काकी, ये सब कुछ उन सरला काकी का ही किया धरा है। देखा नहीं जब उन्हें हमारे घर बुलाया था तो कैसे घबराई हुई थी, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई दिख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि ये सब कुछ उनका किया कराया है। छलावा अपने सर पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान, भीतर ही भीतर इतना सब कुछ खिचड़ी पक गई और किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। और ऐसा भी कब हो गया कि सरला काकी ने अम्मा को इस हद तक अपनी बातों से प्रभावित कर लिया? ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं छलावा, ये सरला काकी सिर्फ भोली भाली महिलाओं को प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि सरला काकी एक बहुत पहुंची हुई चीज है। सरला काकी पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूँ अम्मा कोई पहली महिला नहीं है जिनको सरला काकी ने इस तरह से अपनी बातों से प्रभावित किया है। छलावा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहते हो कि सरला काकी ने और भी महिलाओं को इसी तरह से पोता पोती लड़का लड़की वाला लालच दिखाया है? ध्रुव बोला, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। इस बात पर छलावा ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सरला काकी इतनी पहुंची हुई होती कि पोती को पोते में बदल सकती,
मेरा मतलब है कि लोगों के बच्चों को पेट में ही बदल सकती थी तो वो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर लेती। उनकी दोनों बहू के दो दो बच्चे मारे गए, उन्हें नहीं बचा लेती। ये सुनते ही ध्रुव को कुछ खटका। ध्रुव ने तुरंत पूछा, क्या कहा तुमने? उनकी दो बहुएं हैं, उन दोनों के दो दो बच्चे मर गए। छलावा ने कहा, हाँ सुनने में तो यही आया था। फिर ध्रुव ने पूछा, और उनकी बेटी के बच्चे नहीं हैं? छलावा ने कहा, हाँ। ध्रुव बोला, मामला समझ गया, मतलब बहुत जल्द वो नानी बनने की तैयारी में है। इस बात पर छलावा बोला, क्या कह रहे हो, उनकी बेटी के बच्चे नहीं है तो नानी कैसे बनेंगी? ध्रुव ने कहा, इसीलिए तो वो ये सब कर रही है। ये सुनकर छलावा एकदम हैरान हो गया।